नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात मित्रों। आज 25 अप्रैल 2019 दिन गुरुवार का संचित पंचांग और राशि फल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिथि वैशाख कृष्ण षष्ठी है। मध्याह्न 12:26 तक उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। रात्रि 8:37 तक उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। योग सिद्ध है। रात्रि 12:53 तक उसके बाद सात योग वाणिज्यकरण है और चंद्रमा रात्रि 3:17 तक रहेगा धनु राशि में, उसके उपरांत चला जाएगा मकर राशि में। अब बात राशि फल की। मेष राशि, आज परिश्रम व भागदौड़ की अधिकता रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, धैर्य बनाए रखें, समझदारी से अपने प्रयासों में जुटे रहें तो सफलता मिल जाएगी। मित्रों के सहयोग से कारोबार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक प्रयास सफल होंगे। खर्चों को थोड़ा नियंत्रण में रखें, कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, अपनी वाणी को आज संयमित रखें। शुभता का प्रतिशत है 60। वृषभ राशि, आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा, धैर्यशीलता में थोड़ी कमी नजर आ रही है, अति उत्साह में कार्य बिगड़ सकते हैं। रोजी रोजगार कारोबार या नौकरी में आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ व्यवधान भी रहेंगे, लेकिन सहकर्मियों का सहयोगी रवैया और आपका जोश सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करवा देगा। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता रहेगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शुभता का प्रतिशत है 65। मिथुन राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, आज आपको लगभग हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे। रोजी रोजगार नौकरी व्यापार आदि में कार्य की अधिकता रहेगी। आर्थिक लाभ की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, नया आर्थिक स्रोत बन सकते हैं। आज का दिन धर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता दिख रही है, वाद विवाद से बचें, मधुरता बनाए रखें। शुभता का प्रतिशत 65। कर्क राशि, आज का दिन आर्थिक सफलता लेकर आया है, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, मित्रों का बहुत सहयोग रहेगा, उनके संग साथ में घूमना फिरना होगा, कार्य क्षेत्र प्रबल रहेगा, विस्तार होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी, सामाजिक जान पहचान का दायरा बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, विरोधी परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा। शुभता का प्रतिशत रहेगा 90। सिंह राशि, आज का दिन आपका मन थोड़ा अनमना रहेगा, क्रोध व जल्दबाजी की अधिकता रहेगी, आज के दिन रवैया भी थोड़ा प्रतिस्पर्धात्मक रहेगा, बेवजह के टकराव से बचे, कार्य क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती है, थोड़ा धैर्य बनाकर चले, आज खर्चों की अधिकता रहेगी और यात्रा के भी योग हैं, अपनी भावनाओं को आज बेकाबू ना होने दें, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी के योग है, बुद्धि विवेक से काम लें। शुभता का प्रतिशत है 60। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ी मानसिक उलझने व तनावग्रस्त करने वाला रहेगा, आत्मविश्वास और धैर्य में कमी रहेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, आज तनाव दूर करने के लिए आप धार्मिक गतिविधियों का सहारा लें, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों के सहयोग से सभी कार्यों को संपादित कर ले जाएंगे, आय में वृद्धि होगी, नए आर्थिक स्रोत बनेंगे, दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक है, मधुरता बनाए रखें। शुभता का प्रतिशत है 70। तुला राशि, आज का दिन अच्छा गुजरेगा, सफलताकारी दिन कहा जा सकता है, आपके प्रयास सार्थक होंगे, अटके हुए कार्य पूरे होंगे, कहीं कोई धन यदि फंसा हुआ है तो वह आज मिल सकता है, रोजी रोजगार व्यवसाय नौकरी आदि में कार्यभार थोड़ा ज्यादा रहेगा, कार्य के सिलसिले में आज यात्रा भी हो सकती है, जान पहचान का आपका दायरा बढ़ेगा, परिवार में वाणी और व्यवहार को नियंत्रित रखें, अन्यथा कलह की स्थिति बन सकती है, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद संभव है, मधुरता बनाए रखें। शुभता का प्रतिशत है 75। वृश्चिक राशि, आज का दिन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, परिवार के साथ खरीदारी व घूमने फिरने में धन खर्च होगा, आज आपकी रुचि कला संगीत व रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी, धार्मिक गतिविधियों में भी वक्त गुजरेगा, आर्थिक लेन देन में आज थोड़ा सतर्क रहें वरना हानि हो सकती है, किसी पर अति का विश्वास दिक्कत दे सकता है, रोजी रोजगार व्यवसाय नौकरी आदि में थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभता का प्रतिशत है 70। धनुराशि, आज का दिन शानदार रहेगा, थोड़ी भागदौड़ तो ज्यादा रहेगी लेकिन आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता भी मिलेगी, यात्रा के प्रबल योग हैं, मित्रों के संग साथ में आपका बेहतरीन वक्त गुजरेगा, धार्मिक गतिविधियों में रुचि जागृत होगी, कार्य क्षेत्र भी बड़ा प्रबल रहेगा, अधिकारियों की कृपा दृष्टि व सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा,
घर परिवार में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। शुभता का प्रतिशत है 85। मकर राशि। मकर राशि वालों का दिन आज अति व्यस्तता का रहेगा। मन में खिन्नता रहेगी। कार्य क्षेत्र की उलझने व अतिरिक्त कार्यभार आपका मूड ऑफ कर देंगे। आज यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आज का दिन धार्मिक गतिविधियों, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए फायदेमंद है। आज किसी भी तरह के वाद विवाद व कहासुनी से बचें। नकारात्मक परिस्थितियों व लोगों से दूरी बनाकर चलें। कार्य क्षेत्र में टकराव से बचें। बहुत सोच विचार कर सावधानी पूर्वक कार्य करें। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कहासुनी से बचें। शुभता का प्रतिशत है 65। कुंभ राशि। शानदार दिन गुजरेगा। ऊर्जा व जोश से भरे हुए आज आप कुछ भी कर सकते हैं। सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा व यश की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। घर परिवार में थोड़ा संयत रहें। मित्रों के साथ घूमना फिरना होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। शुभता का प्रतिशत 90। और अंत में बात मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों का दिन सफलताकारी है। दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहेगी लेकिन सफलता मिलेगी। रोजी रोजगार, व्यवसाय व नौकरी आदि में स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। मान सम्मान, यश व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आप पूरी ऊर्जा से व जोश व उत्साह से कार्य करेंगे। हड़बड़ी या जल्दबाजी से बचें। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कटता की स्थिति से बचें। शुभता का प्रतिशत है 85। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार मित्रों।